Lacivap Shahbaz Ahmed, Kamal Shahbaz Ahmed. Shahbaz ne banaya apni team ko champion. Sabse zyada run banane wale team mein kaptan Shahbaz Ahmed, jinhone 42 gendon mein nabad banaye 54 run. To dosto, agar aapne mera YouTube channel abhi tak subscribe nahi kiya hai to please Mewat Cricket Haryana YouTube channel ko subscribe kar le. Video acha lage to video ko like kare aur share kare, comment mein apni raaye zarur de. To dosto, Bengal T20 trophy hal hi mein khatam ho chuki hai jisme 6 teamon ne bhag liya tha, jisme Shahbaz Ahmed ki team ne final khela. Dusri taraf Anshul Majumdar, वैसे तो दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में, बंगाल के लिए खेलते हैं शहबाज अहमद, कप्तान अनुष्टुप मजुमदार, दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल में एमबी अनुष्टुप मजुमदार की टीम है और शहबाज अहमद टीएम। तो दोस्तों दोनों के बीच में मैच हुआ जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए शहबाज अहमद की टीम ने 20 ओवर में 145 रन का विशाल स्कोर खड़ा करा, जिसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान कप्तान शहबाज अहमद का रहा। जी हां, कप्तान शहबाज अहमद। शहबाज अहमद ने 42 गेंदों में 54 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, दोस्तों अपनी टीम को चैंपियन बनाने में कामयाब रहे। कप्तान शहबाज अहमद ने जवाब में टीम को 112 रन पे ही ढेर कर दिया। अनुष्टुप मजुमदार टीम को, एमबी टीम को 112 रन पर ही रोक दिया। तो दोस्तों 29 रनों से यहां शहबाज अहमद ने जीत ली है। तो दोस्तों अगर आप भी शहबाज अहमद के फैन हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शहबाज अहमद मेवात का लड़का है। जी हां, हरियाणा से अपने टीम में इसका सिलेक्शन हुआ है। जी हां, रणजी ट्रॉफी बंगाल के लिए खेलते हैं। आईपीएल में 2020 में 20 लाख का आरसीबी ने इसको खरीदा था। तो दोस्तों आईपीएल आरसीबी के लिए दो मैच खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी ये बंगाल के लिए खेल रहे हैं। इंडिया ए में भी इसका सिलेक्शन हो चुका है। पहली बार बनाया गया शहबाज अहमद को कप्तान, तो कप्तानी को ऐसे निभाया कि जबरदस्त जीत दिलाई अपनी टीम को और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। असल योगदान इसमें शहबाज अहमद का रहा, जिन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेली। साथ में मोहम्मद कैफ ने निभाया, मोहम्मद कैफ ने भी साथ में 39 रन बनाए। दोस्तों दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और टीम को एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों अनुष्टुप मजुमदार शेर है तो शहबाज अहमद पड़े उसके ऊपर सवा शेर है। तो शहबाज अहमद ने अपनी टीम को जिताया, चैंपियन बनाया, मेवात के नाम को रोशन किया, अपने इंडियन का नाम को रोशन किया। तो दोस्तों अगर आप भी इस बात से खुश हैं कि शहबाज अहमद अगले समय में टीम इंडिया के लिए भी खेले तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि शहबाज अहमद आने वाले वक्त में टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर बनकर उभरेंगे। जी हाँ, एक ऑलराउंडर बनकर उभरेंगे। शहबाज अहमद बाएं हाथ से बॉलिंग भी डालते हैं। जी हाँ, बैटिंग ऑलराउंडर शहबाज अहमद का अच्छा प्रदर्शन उसी के दम पर